तो कैसे इस वाले मैच में आप लोगों को देखने को मिलेगा कैसे एक एनिमी ने भाई मेरे को रॉकेट लॉन्चर से मारने की कोशिश की, और उसके बाद आप लोग देखोगे कि भाई कैसे यहाँ पे भाई इतना ज्यादा स्क्रीन शेयर और इतना ज्यादा लैग हो रहा था भाई। स्क्रीन शेयर की वजह से भाई मेरे को गेम खेलने पे भी दिक्कत हो रही थी और मैं जल्दी से इस मैच को खत्म करने की कोशिश कर रहा था। तो यार अभी मेरे साथ यहाँ पे एक बंदा उतर रहा होता है, लेकिन यहाँ मेरी गलतफहमी हो जाती है, यहाँ पे एक बंदा नहीं होता है भाई। इस वाले होल में आप लोगों को देखने को मिलेंगे कितने ज्यादा बंदे आए हुए थे, और भाई यहाँ मैं पूरी तैयारी के साथ देखता हूँ कि आगे पीछे कोई है तो नहीं, और सीधा होल में घुस जाता हूँ। लेकिन गलती से मैं भाई बाहर आ जाता हूँ वापस, और भाई फिर अंदर जाके और यार कोने से निकल के भाई साइड से निकल के मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, और सामने देखो क्या मेरे को देखने को मिलता है। यहाँ पे मेरे को दोनों का किल मिल जाता है, क्योंकि भाई ये जो दोनों लड़ रहे होते हैं इनको एक दूसरे से डैमेज पड़ चुका होता है और मेरे को इनको मारने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। और मैं सोचता हूँ कि भाई यहाँ पे सब खाली हो जाता है, लेकिन तभी भाई यहाँ पे एक चीज देखने को मिलती है मुझे, और वो होता है ये। गाइस आप लोग देख सकते हो मैंने इसको बहुत ज़्यादा डैमेज देने की कोशिश की, और भाई कोशिश कर रहा था कि मैं अपने हिप फायर को तेज़ करूं, लेकिन भाई तब भी इसको डैमेज पड़ते पड़ते ये मरने का नाम नहीं लेता। लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं, खैर मैं बाहर आ जाता हूँ, यहाँ पे हील मारने के लिए अपनी जगह ढूंढता हूँ, और भाई हर जगह नजर रखता हूँ कहीं कोई देख ना ले। तो यहाँ से मैं निकल के आ जाता हूँ, यहाँ पे भाई इसको मार देते, क्योंकि यार इस मैच में ना भाई मेरे को इस चीज़ की सख्त ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि भाई एक तो मेरा डिवाइस कर रहा है रेंडर, और ऊपर से भाई एनिमी होंगे यहाँ पे एकदम ब्लंडर, मतलब ब्लंडर करने वाले भाई बहुत खतरनाक बंदे हैं इस मैच में, देखते रहना आप। अभी देखो यहाँ पे क्या होने वाला है, देखते रहो बस, क्योंकि भाई यहाँ पे मेरे को आती है फायरिंग, और भाई फायरिंग कहाँ से आ रही होती है मैं उसका मुआवजा कर रहा होता हूँ, मैं यहाँ पे जायजा ले रहा होता हूँ। तो भाई सामने मेरे को दिखता है बंदा जो फायर कर रहा होता है मेरे पे। अभी बस ये बंदा ही नहीं है, यहाँ पे और भी बंदा है, अभी देखते रहना वो कहाँ कहाँ छुपा होगा, देखते रहो बस। तो यार यहाँ मैं इसको ना पूरा एमो खत्म करवाने की कोशिश करता हूँ, मैं सोचता हूँ भाई इसके साथ थोड़ा सा हम ना मस्ती करते हैं कि इसका एमो खत्म हो जाएगा और उसके बाद हम इसको मारेंगे, लेकिन भाई इसका तो एमो खत्म होने का नाम ही नहीं रहता, और भाई ये भी मेरी चाल समझ चुका था, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको खत्म कर देते हैं। और भाई देखो जैसे ही मैंने इसको खत्म किया भाई मेरे को कहीं और से भी डैमेज आया, अभी देखना भाई वो बंदा कहाँ होगा, गैस करो अगर आप लोग गैस कर सकते हो कि भाई कहाँ हो सकता है वो। तो भाई सामने देखो भाई मेरे को ये बंदा ऐसे नहीं दिखा था, और अब जाके मेरे को दिखा, लेकिन भाई तब भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इससे ऐसे बचूँ कि भाई अगर इसने मेरे ऊपर मुर्गे वाला ग्रेनेड मार दिया ना तो कहीं मेरी गेम मेरे ऊपर ना पलट जाए। यहाँ पे बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अभी गाइस ये बंदा मेरे को समझ नहीं आया कहाँ जा रहा था पता नहीं, लेकिन हमने इसको मार दिया, इसको तो मैंने इजीली मार दिया, लेकिन नेक्स्ट वाले एनिमी के लिए मेरे को टाइटन का हार्ट यूज़ करना पड़ा, क्योंकि भाई मुझे लग रहा था वो थोड़ा ना चालू लड़का है, भाई देखो अभी क्या करता है ये। मैंने इसके ऊपर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की और ये जंप मार के भाई स्केटबोर्ड लेके निकल गया, लेकिन मुझे पता था ये मेरा वेट तो करेगा, क्योंकि इसको गाड़ी पे भाई मारना तो है ना गोलियाँ। लेकिन भाई यहाँ पे देखो मैंने इसके साथ क्या किया, देखो भाई ये इसको पता चल गया अब यहाँ पे मेरा मरना पक्का है, क्योंकि भाई टाइटन निकल चुका है, और टाइटन और दूसरा एनिमी ये दोनों बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। अगर आपके सामने हो तो भाई वहाँ से निकल के कुछ ना कुछ करके भाई एनिमी को मारो, एनिमी मारोगे टाइटन अपने आप मर जाएगा, तो इसलिए भाई यहाँ से इसको बचना मुश्किल था, क्योंकि भाई स्केटबोर्ड खुलते टाइम लगता है। अभी गाइस देखो ये वही सीन आ गया जो आपने स्टार्टिंग में देखा था, यहाँ पे ये बंदा मेरे ऊपर भाई रॉकेट लॉन्चर से मारता है, और सच बताऊँ गाइस अगर मैं यहाँ से निकलने की कोशिश करता ना तो मैं बच नहीं पाता, क्योंकि रॉकेट लॉन्चर का डैमेज बहुत इंपैक्ट पड़ता है। लेकिन आप लोग जानते हो अब हम यहाँ पे अपना बदला लेने को तैयार हैं, ठीक है। मैं आ चुका हूँ उसी के छत पे जहाँ से उसने मुझे मारा था, और भाई देखो अभी गाइज आप लोग एक चीज़ नोटिस करना, जब मैं उसके ऊपर गोलियां मार रहा था मेरी स्क्रीन बहुत ज़्यादा शेक कर रही थी, और यहाँ पे देखो आप लोगों को रेंडर भी देखने को मिलेगा। अभी ये क्यों हो रहा था इसका मैं रीज़न आप लोगों को बताऊंगा, बट पहले आप लोग ये देखो क्या होता है यहाँ पे। मैं यहाँ से लूटपाट करके निकलता हूँ, और तभी मेरे को गन साउंड आती है वापस से। सामने मुझे ये बंदे दिखते हैं, और गाइस देख रहे हो यहाँ पे मुझे इन एनिमीज़ को मारने के लिए कितना ज़्यादा दिक्कत पड़ा उठनी पड़ रही है, और यार कहीं और से मुझे गोली भी पड़ रही है। तो यार यहाँ पे देखो क्या होगा, अब असली चीज़ आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे मैं अपना एम उसके ऊपर मारने की कोशिश करता हूँ, लेकिन गाइस इतना मुश्किल से वो एम उस तक जाता है ना, क्या ही बोलूँ मैं, ये मैं ही जानता हूँ। मैंने सोचा भाई यहाँ पे हमारे मरने के पक्के चांस है, क्योंकि अभी भी चार एनिमी बचे थे। मैंने कहा भैया यहाँ से निकलो विश्वरोज भैया, क्योंकि भाई तुम्हें पता नहीं कब जाके तुम्हारी गेम खत्म हो। अब यहाँ पे लैग इसलिए हो रहा था क्योंकि भाई मेरी बैटरी थी कम, लेकिन गाइस इतनी भी कम नहीं थी, मेरी 15% बैटरी थी यहाँ पे, और भाई ये देखो कैसा लैग कर रहा था यहाँ पे। भाई मैंने कहा यार निकलो, और मेरे को एक चीज़ तो पता चल गई भाई अगर आपकी बैटरी लो है ना तो आपका यहाँ पे
लैग करेगा, चाहे 20% हो चाहे 15%, तो भाई चार्ज करके गेम खेलो भाई, वरना गाइस बहुत रिस्क का काम है। अगर आप लोगों को ऐसी सेम वीडियो का मजा उठाना है तो भाई ये वीडियो चेकआउट करो, कसम से कह रहा हूँ। अगर मजा नहीं आया तो यार लोग अगली वीडियो चेक कर सकते हो, उसमें पक्का मजा आ जाएगा। तो यार थैंक यू एंड लव यू।